गोंडा जिले के अवसानी बुजुर्ग घारी घाट में इतिहाद इस्लामिक सोसाइटी द्वारा आज 72वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण के बाद मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी प्रदीप चौधरी द्वारा 40 गरीबों को कंबल वितरित किया गया। आपको बताते चलें कि इस समय कड़ाके की ठंडक पड़ रही है। यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने इतिहाद इस्लामिक सोसाइटी बनाकर गरीबों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। सोसाइटी के संस्थापक शहाबुद्दीन, प्रबंधक अब्दुल करीम, अध्यक्ष अब्दुल बारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अबैदुल्ला, कोषाध्यक्ष अब्दुल आहद व सहयोगी फैजान भाई, उस्मान भाई, कमर आलम, आलम भाई, परवेज सलमान, शमशीर अहमद ने बताया कि आज 72वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस सोसाइटी का प्रारंभ किया गया है। इस सोसाइटी द्वारा गरीबों की सेवा करने का हम लोग को अवसर मिलेगा। तालियों से वीडियो पर इस्तेमाल करेंगे, जोरदार तालियों से। एक बार पुनः जोरदार तालियां सर के लिए। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूं तो हुकूमत मार डालेगी, और बहुत होशियार रहना है, सभी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। तो मैं चाहता हूं कि हम जो अपने इस तकरीरों का सिलसिला, स्पीच का की जो कड़ी है, उसको आगे बढ़ाएं, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि एआरपी पवन जो एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे देश को तकदीर के दरवाजे पर लोग दौलत पे गिरे, मैंने वतन मांग लिया, तो आज हमारे देश में वो महान पर्सनालिटी है। मैं इनवाइट करना चाहता हूं अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से, प्लीज आप डाइस पे आए और अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजेंगे। एक जोरदार तालियां अपने खुसूसी मेहमान के लिए, जोरदार तालियां साधु सम्मान। कुछ कहने और सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे ये उस्मान भाई और हमारे कमेटी के मेम्बरान हैं, शालपोशी करेंगे सर की, और आप और तालियों से हिम्मत अफजाई और आपका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कमेटी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो काम हम लोग सिस्टम में रहकर करते हैं, वही काम आप बिना सिस्टम के भी कर रहे हैं। आप किसी सिस्टम में नहीं हैं। गरीबों की मदद करना ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ना व्यक्ति की बात है, ये इस देश की संस्कृति है, ये इस देश की परंपरा है। धर्म तो केवल एक सुविधा के लिए है कि एक एक परम शक्ति को कोई कुछ मान ले, कोई कुछ मान ले। हम एक ही व्यक्ति को पापा भी कहते हैं, उसी को पुप्पा भी कहते हैं, उसी को बहुत सारे नाम से कर देते हैं। नामों में जो अंतर है, विश्वासों में जो अंतर है, वो केवल इसी टाइप का है। सत्ता तो एक ही है, और जो है उसी को चाहे आप कोई भी नाम दे दें, चाहे उसको अल्लाह कह दें, उसी को राम कह दें, उसी को ईश्वर कह दें, बात एक ही है। जहाँ तक गरीबों की मदद की बात है, दुनिया की कोई भी विचारधारा नहीं है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो पारलौकिक हो, जिसमें गरीबों की मदद की उम्मीद रखी गई है। अगर आप ये सोचें कि आप बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, तो आप ये मानेंगे कि एक एक खुदा, एक ईश्वर, एक एक सर्वप्रम सत्ता है जिसने सबको बनाया है। अगर उसी ने सबको बनाया है और आप देख रहे हो कि आज आप साधन संपन्न हो, कोई गरीब है, तो आपका यह नैतिक दायित्व है, चूंकि आपको बनाने वाला और उसको बनाने वाला एक ही है, तो कहीं आध्यात्मिक रूप से आप भाई हैं। तो एक भाई अगर परेशान है और असुविधा में है, तो आप सुविधा देना आपका नैतिक दायित्व है। अगर मान लीजिए कि आप धार्मिक नहीं है, बहुत बड़े भौतिकवादी हैं, अब आप सोच लीजिए कि मेरे पास इनोवा कार है,
उस इनोवा कार का महत्व क्या है। अगर सारे लोग के पास इनोवा कार हो जाए तो हम किसी का अलग नहीं है, हमारी कोई विशेषता नहीं है। लेकिन अल्टो मोटरसाइकिल और जो छोटी गाड़ियां हैं वो है, इसलिए आपकी पहचान है, तभी आपकी इनोवा है। अगर सबके पास इनोवा हो तो आपको बेकार आज तो कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई पहचान नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि आपसे नीचे वाला ही आपके सम्मान का कारण है। तो जो जिसके कारण आपका सम्मान है, आपका ये दायित्व तो है कि उसको सम्मान दीजिए। जो दुनिया के अर्थशास्त्री है जिन्होंने ये कहा कि सोशल जो रिस्पांसिबिलिटी है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी है, वो यही धारणा है कि जब तक आप नीचे वाले को सम्मान नहीं देंगे तब तक आपकी प्रगति नहीं होगी, वो आध्यात्मिक प्रगति हो चाहे सांसारिक प्रगति हो। और अगर कुछ लोगों ने, जैसे इस सोसाइटी के जो भी सदस्य होंगे, अगर उन्होंने ये बात महसूस कर ली है कि जीवन का बहुत सारा उद्देश्य होता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा जीवन उत्तरदायित्वों का एक संग्रह है, एक समुच्चय है, सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि हम केवल एक उत्तरदायित्व नहीं है कि हम पैसा कमाकर हमने जो है बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ली और बहुत बड़े राजा हो गए। हम एक के समय में पति भी होते हैं, इसी समय में पुत्र भी होते हैं, उसी समय में भतीजे भी होते हैं, बहुत सारे दायित्व होते हैं। उसी समय में एक देश के नागरिक भी हैं, उसी समय में एक संस्कृति का हिस्सा भी है। तो जो संस्कृति की अपेक्षाएं हैं, जो देश की अपेक्षाएं हैं, जो समाज की अपेक्षाएं हैं, उसको भी पूरा करना उसी तरह हमारा दायित्व है जैसे बाकी दायित्व है। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने गरीबों के लिए कंबल वितरण का प्रोग्राम दिया। ग्राम विकास विभाग में काम करने में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो समाज का अंतिम तबका है, जो हाशिए पर है, किसी कारणवश जो मूल धारा में शामिल नहीं हो पा रहा है, और उसको हम मूल धारा में शामिल करें, उसके सम्मान को बहाल करें और उसे भी एहसास कराएं कि ये देश उसका भी उतना ही है जितना पैसे वाले का है। और आप एक संगठन के माध्यम से बहुत सारे लोगों का इसमें जरूर योगदान होगा, बहुत सारे लोगों की तपस्या होगी जिसके माध्यम से आपने संसाधन इकट्ठा किया, गरीबों को चयनित किया, उनको आप जो है इस जब ठंडक कितना तेज है उसमें उनको कुछ लाभ देंगे। ये केवल आपके लिए नहीं है, कुछ लोगों ने जो शुरू किया है उसकी प्रेरणा समाज के अंतिम तक जाएगी और हर आदमी को दूसरे की पीड़ा महसूस होगी। इसी माध्यम से हम एक मजबूत राष्ट्र बनेंगे, एक संवेदनशील राष्ट्र बनेंगे, सबसे बड़ी बात हम एक संवेदनशील देश बनेंगे। धन्यवाद। मेरे पर बोल दो पुरवाइया आवाज देती है, मेरे पर बोल दो पुरवाइया आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है, मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। गजल का मकता पेश करता हूँ, समाज समझिएगा। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। तो हम कहते हैं कि
अभी एक दो स्पीच और है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर के शुभ हाथों से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कंबल वितरण का, एक दो लोगों को आपके शुभ हाथों से मैं कंबल वितरण करवा दूं, फिर एक दो स्पीच जो है वो करके फिर सारे लोगों को कंबल दे दिया जाएगा। कैसा रहेगा? सही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो है हमारे अच्छा रजाकार काफी एक्टिव हो गए हैं आप लोगों की हौसला अफजाई से। तो मेरा पहला नाम आता है इसमें लखपता सीताराम अवसानी, लखपता सीताराम अवसानी बुजुर्ग अगर यहाँ पिंडाल में है तो वो स्टेज पे आ जाए। और दूसरा नाम है सिराजुद्दीन उर्फ कागे डालडी, वो भी मंच पे आ जाए। और कम से कम तीन होना चाहिए, राम अजोर छांगुर जी अगर हो तो वो भी आ जाए स्टेज पे। राम अजोर छांगुर जी लखपता सीताराम सर, जोरदार तालियां सर, जोरदार तालियां। ये अभी पहली शुरुआत है, ये इत्तेहाद इस्लामिक सोसाइटी की तरफ से ये सबसे पहला कार्य है जो अभी हम लोगों ने जो हमारा उद्देश्य था, ये पहला क्षण है, या ये कह लीजिए क्या इस्लामिक सोसाइटी के जीवन का ये पहला सेकंड है। अगर आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर इनके हौसले टूट जाएंगे। जोरदार तालियों का सम्मान करेंगे। और दूसरे हैं सिराजुद्दीन उर्फ कागे डाल दी, सिराजुद्दीन कागे। राम अजोर छांगुर जी हैं, आ जाओ आ जाओ, दादा इधर आ जाओ थोड़ा सा। दोस्तों अब ये शुभारंभ हो चुका है, सर ने हमको एक रास्ता दिखा दिया है, अब इसी नगर पे चल के हम बाकी लोगों को कंबल वितरण करेंगे। और इसी के साथ हम बहुत बहुत इत्तेहाद इस्लामिक सोसाइटी की तरफ से दिल की गहराइयों से हम जो है सर का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो मेम्बरान है, प्लीज जल्दी से सर के साथ में आ जाए और एक पोज ले लें। आप लोग जो हमारे मेम्बरान है दो चार छह वो प्लीज आ जाए, बिलखसूस जो हमारे आदर्श डॉक्टर उबैदुल्ला असरी सर है वो भी आ जाए यहाँ पे स्टेज पे। इरादे हो जवां जिनके वही बाजे पलटते हैं, मुखालिफ के लिए हर आदमी आदमी नहीं होता, और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। मैं दिल की गहराइयों से और अपनी कमेटी के मेंबरान की तरफ से सर का धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब कभी भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो इस विश्वास के साथ कि आप हमेशा हमारा साथ देंगे और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे कामयाब प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी सहायता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबकी तरफ से मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।